मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसीस के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दशहरे की बहुत बहुत आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम एक फेसिंग का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, जो मैनुअल फेसिंग होता है, फेसिंग का मैनुअल प्रोग्राम फानुक और सीमेंस कंट्रोल में कैसे बनाया जाता है और बनाने का टैक्ट क्या है और कैसे ये किया जाता है, मैं सब डिटेल्स आपको ड्राइंग या उसके सेटिंग प्रोसेस क्या होती है और उसमें प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, मैं सब अच्छी तरह से डिटेल्स ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो आज दोस्तों हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने लिखा है फानुक कंट्रोल प्रोग्राम 1 है हमारा, फेसिंग का प्रोग्राम बनाने वाला। फेस माने ये 2 mm हमको फेस कट करना है, टोटल 60 डायमीटर है, ये ड्राइंग है हमारा, राउंड ड्राइंग है। 2 mm कटिंग करना है, Z0 अंदर है और X0 सेंटर पे रहता है। टोटल जॉब की लंबाई 82 है, ये 80 और ये 2 × 82 होता है, उसमें से 80 करना है हमको फर्स्ट सेटअप में 2 mm फेस निकालने के बाद। इधर लिखा है मैंने जॉब डायमीटर है 60 mm, ये डायमीटर है, इधर से ये राउंड फेस कटिंग 2 mm है, इधर से ये कट करना है हमको फेसिंग। फेस DOC डेप्थ ऑफ कट फेस का 0.8 mm है, 8 mm ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो मटेरियल है ब्रास सॉफ्ट है, इसलिए चलता है 0.8। कारण आपको मटेरियल फीड और mm पर रिवुलेशन में हम देने वाले। तो ये 60 डायमीटर पे दोन, तो सेटिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, तो ये जो हमारा ड्राइंग कौन सा है, राउंड ड्राइंग, राउंड जॉब का ड्राइंग है। राउंड कैसे, ये 2D ड्राइंग होता है जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट, बॉटम और लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू दिखता है, वो 2D ड्राइंग होता है। तो वो राउंड जॉब का सेंटर लाइन है, इसलिए राउंड जॉब है, ध्यान रखिए। रॉ मटेरियल कौन सा है, ये जो रॉ मटेरियल हम फेसिंग का है वो ब्रास मटेरियल में, ब्रास मटेरियल का रॉ मटेरियल है। तो CNC मशीन कौन सा मशीन पे ये जॉब होगा, CNC टर्निंग मशीन पे। हाँ, एक्सेस मशीन के कौन से कितने होते हैं, CNC टर्निंग मशीन को, एक्सेस मशीन को एक्स और जेड होता है। और एक्स क्या करता है, डायमीटर, और जेड लेंथ मेंटेन करता है। तो ऑपरेशन कौन सा करना है हमको, फेसिंग करना है, तो फेस कटिंग करना है। तो टूलिंग कौन सा लगेगा, OD टर्निंग टूल होल्डर लगेगा हमको, फेसिंग OD टर्निंग टूल होल्डर। ऑफसेटिंग क्या करना है, एक्स डायमीटर पे टच करके हमको डायमीटर वैल्यू टाइप करके मेजर बटन दबाना है, और जेड को ये फेस को टच करके 2 mm प्लस डाल के मेजर बटन दबाने का है। तो ऐसा ऑफसेट, ये सेटिंग प्रोसेस हम आपको मालूम होना चाहिए टोटली। अभी इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ टोटली फानुक कंट्रोल के ऊपर। तो ये प्रोग्राम नंबर होता है, ये वो लेटर है और 4 अंकों में प्रोग्राम नंबर होता है। हम प्रोग्राम किसका बना रहे, फेसिंग का बना रहे, तो ये फेसिंग नाम दिया है। ये सीक्वेंस नंबर होता है सर्च जंप करने के लिए, ये से प्रोग्राम सेफ कोड है, ये फीड mm पर मिनट, ये डाटा इनपुट मैट्रिक और स्पिंडल स्पीड, कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। ये टूल लेटर है मशीन का, 2 अंकों में टूल नंबर होता है और ये ऑफसेट नंबर होता है 2 अंकों में। फिर ये स्पिंडल स्पीड डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज दिशा से घूमेगा 1200 RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में 1200 रिवोल्यूशन होगा। फिर ये G0 रैपिडली X62 को आएगा होम पोजीशन से, X62 माने ये 60 है, उससे प्लस हुए रुक गया, और Z2 मतलब Z0 फेस को अंदर 2 mm अंदर है, बाहर 2 mm मतलब टूल बराबर 2 mm जहां निकालने का उधर रुकेगा और कूलेंट ऑन होगा। फिर हम कट लेंगे 62 को ही, कांस्टेंट एक्स को रखना है, और जेड सिर्फ दो में से, दो से ये 1.2 को शिफ्ट होगा, या ऐसा आगे आएगा, जेड सिर्फ एक्स उधर ही रहेगा, सेम डायमीटर है। तो ये सिर्फ कट लिया 0.8 का, इधर दिया हमने फेस DOC। फिर G01 एक्स कटिंग कर रहा है ना, इसलिए हवा में रहता तो G0 देते हैं, अभी कट करना है तो इसलिए G01 दिए। X-1 मतलब सेंटर से नीचे जब आएगा माइनस, क्योंकि पॉइंट रहता है ना, X0 देंगे तो इसलिए 1 mm हम नीचे ला रहे हैं। और वही जेड कॉन्स्टेंट ही रखना है, Z1.2 Z1.2, सिर्फ X62 से X-1 तक वो फेस मारते ऐसा आएगा, ये ऐसा पहला कट 0.8 कर लेते हैं, ऐसा आएगा इधर टूल। फिर उसके बाद ये कटिंग किया, फिर वापस ये उसी जगह ऊपर गया, ऐसा शिफ्ट होके ऐसा उधर गया टोटल। फिर ये एक कट कंप्लीट हुआ, हमको 3 कट मारना पड़ेगा ना 0.8 से 2 mm, 8 8 16 और 4, 0.4 का आखिर रहेगा, 0.8 0.8। तो अब ये दूसरा कट ले रहे हैं हम, वापस उधर गए,
फिर मैं वापस आ गया, ऐसा होगा टोटल। हाँ, ये दूसरा कट लिया हमने इधर, कितना लिया इधर x62, z 0.4, मतलब 1.2 में से 0.8 कम हुआ तो 0.4 रह गया। 0.4 का कट लिया, फिर g01 हम किधर आ गए, x-1 z 0.4 वही रहेगा, सिर्फ एक चेंज हुआ x62 से x-1 हुआ, ये फीड रेट से, फीड mm पर रेगुलेशन है, इधर लिखा है 0.2, ब्रास के मटेरियल होने के कारण ज्यादा फीड है, चलता है। तो ये कटिंग होके, ये कट लिया था, ये ऐसा कटिंग होके x-1 तक आएगा, इधर -1 इधर होता है, x0 सेंटर में है, तो थोड़ा नीचे आ गया। तो आने के बाद फिर वापस हमको पहली जगह जाना, ऊपर जाना पड़ेगा, x62 दिया x-1 से, 62 z 0.4 से आया था, 0.6 मतलब थोड़ा शिफ्ट हो गया, इधर टच नहीं होगा, वो थोड़ा ऐसा ऐसा बाहर गया टोटली। फिर हम z 0.0 को जाएंगे, इधर देखिए ये तीसरा, ये दो कट हो गए, ये पहला कट एक दो तीन ब्लॉक, फिर दूसरा कट एक दो तीन ब्लॉक हो गए, अभी तीसरा कट एक दो तीन ब्लॉक का होता है। तो हम z 0.0 को जाएंगे, x62 को रुके थे, फिर x-1 z 0 सेम है, सिर्फ x चेंज होगा। तो हम ऐसा फेस 2 mm इधर x-1 को आएंगे टोटल, फिर होने के बाद g0 x62 z 2, माने इधर से डायरेक्टली इधर जाएगा कूल, ऐसा इसकी वजह से। फिर जो हम कूलन चालू किए थे इधर, जो स्टार्ट में उसको बंद किया हमने m09 डाल के, फिर जो स्पिंडल इधर हमने आरपीएम दिया था कॉन्स्टेंट वाला, उसको रोकने के लिए m05 दिए, इधर ही रोकने, ये दोनों काम किए, फिर ये टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन को जाएगा इधर g28 की वजह से, u माने x, w माने z, हाँ फनो का, और m30 माने प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड। तो या फेसिंग प्रोसेस क्या होता है, सेटिंग कैसे लगाना चाहिए या ऑफसेट कैसे लेना चाहिए, मैंने सेटिंग प्रोसेस और प्रोग्राम बना के उसका डिटेल्स आपको बताया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।